आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली बार अंबेडकर नगर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। वो अकबरपुर हवाई पट्टी से पार्टी की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी उन्होंने दिखाई है। आपको बता दें कि जनसभा करके उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का उन्होंने शंखनाद किया है। इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री और भाजपा के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, कौशल किशोर समेत तमाम मंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि उनके दौरे से पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अंबेडकर नगर में जोरों शोरों से तैयारी की गई थी। वहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए पुलिस बल भी भारी संख्या में वहां पर मौजूद रहा। वहीं गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा के भड़सर ग्राम सभा में बहुजन समाज पार्टी के कैडर कैंप आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बसपा विधान मंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह ने की और अपने प्रत्याशी की घोषणा करने के बाद उन्होंने मंच से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने सपा की विजय यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। अभी समाजवादी पार्टी का विजय जरूर चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा चंदौली में, अभी विजय हुआ नहीं। आतौली एक पुलिस अधिकारी मेरे सीओ को पकड़ कर डीपी लगा हो जाता। आप सोच लीजिए कि अराजकता किस हद तक जाएगी, किस हद तक जाएगी। अभी सत्ता में नहीं आए हैं और इतनी हिम्मत तो मान लीजिए जब पुलिस का अधिकारी है तो हमने हमारे राज्य कर्मचारी से लेकर के जो अन्य लोग हैं सर्व समाज में, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में हमारे विरोधी लोग इस बात का भ्रम फैला रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी सब लोग छोड़ते जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी में एक किसी नेता का नाम बताइए जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ा हो। यहां छोड़ने का मौका नहीं दिया जाता है। यहां अगर समाज में अराजकता, दूसरे की जमीन को कब्जा, विभिन्न तरह की गतिविधियों में आप अगर इन्वॉल्व हुए तो बहन जी ये नहीं देखती है कि आपसे हमारा क्या नुकसान होगा। उनका एक ही काम है, एक ही मकसद है कि इस आदमी से हमारे समाज में हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है, उनको सम्मान। उन्नाव के मोहार नगर पंचायत में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो 10 करोड़ हिंदू प्रॉफिट मोहम्मद को अपना आदर्श मानते हैं। अयोध्या में विकास हो रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकने वालों की दुकानें बंद हो गई हैं। भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की सरकार है। वहीं मऊ जनपद के शहादतपुरा में सपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रॉय के घर पर सुबह 7 बजे आईटी ने छापा मारा था। ये छापेमारी करीब 16 घंटे तक जारी रही, जिसमें आईटी टीम को राजीव राय के घर से कुल 17,000 का नकद बरामद हुआ है, जिसके बाद खाली लौटी आईटी की टीम मीडिया से बचती नजर आई। इस दौरान राजीव रॉय ने कहा कि टीम ने कुल 5 जगहों पर छापा मारा है, जिसमें परिवार के सदस्यों को भी बंधक बना लिया गया। आगे उन्होंने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया। कहीं से ऊपर से आते सारा, यहाँ तो सब कुछ हो गया था, 16 घंटा लगा, यहाँ तो हो गया था, तो कहीं ना कहीं ऊपरी ताकत अपना ताकत दिखा रही है, कोई परवाह नहीं है। पैसा मिला यहाँ पे क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ है? यहाँ 17,000 रुपया मिले भैया। कितने जगह छापे पड़े थे आज? मेरे चार पांच जगह छापे पड़े हुए हैं, अभी कहीं चल भी रहा है, मुझे उसकी पूरी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं बेदाग था, बेदाग हूँ और बेदाग रहूंगा। वही हरदोई में बहुजन समाज पार्टी की मंडल स्तरीय जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं और टिकट के दावेदारों ने भाग लिया। वही बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मंच से कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर
कमल वर्मा को सांडी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। इस बार प्रदेश की सभी 86 सुरक्षित विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतना है। उन्होंने मंच से भाजपा और सपा पर जमकर निशाना भी साधा। देखिए, ये हमले हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे दो तीन चीजें होंगी, कहीं इस तरह के छापे, कहीं इस तरह की बातें होंगी, कहीं पर घोषणाएं होंगी, कहीं फीता काटा जाएगा, कहीं ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जाएंगे, ऐसी बातें कही जाएंगी, ऐसे मन से भाषण दिए जाएंगे भड़काने वाले कि लोगों भड़काव हो, आपस में लोगों के अंदर मन मुटाव हो, इन सब चीज़ों की कोशिश होगी। लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब की बार उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि अब की बार उसको पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की लानी है, जिस तरह से 2007 में वो लेकर के आई थी। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने पिछले दिनों लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 किए जाने पर विवादित बयान दिया था। लड़कियों की आवारगी बढ़ जाएगी, उन्होंने ऐसा बयान दिया था। जिस बयान देते हुए बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की विचारधारा क्या है, ये जनता अब खुद समझ सकती है। ऐसा ने पिछले दिनों लड़कियों की उम्र को लेकर विवादित बयान दिया था कि लड़कियों की आवारगी बढ़ जाएगी, जिस पर अब बयान जारी किया गया है। इसी पर अब उन्होंने बयान जारी करते हुए ये कहा है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की विचारधारा क्या है। खबर संभल से है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गजराम के इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि युवक की मौत होने के बाद से परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के 3 बच्चे हैं और परिवार वालों का बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर में एक विधवा महिला ने अपने जेठ पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। दरअसल महिला ने मझगवां थाना पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद जेठ ने महिला और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने इस मामले की कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की फिलहाल गुहार लगाई है। घर में दो हती घर में मैं और बच्चा अपने घर में अकेली पड़ी थी। लड़का हारे चले गए तो देवी दिन 11 बजे रात के आओ मेरी संगे। कौन सी तारीख को आया? 26 तारीख को 11 बजे रात सुमो संग में गलत करूँ, मैं चिल्लानी फिर पूरा मोहल्ला दौर करूँ तो भाग गया। फिर कहा किसी को बताया तो मैं मार डालूँ। फिर मैंने फोन कर आओ सवेरे बच्चा मैंने बताओ, फिर रिश्तेदारन को फोन करूँ, रिश्तेदार आए तो फिर उनने गाली गुप्ता करी। तो फिर कहा खबर जो है सिद्धार्थ नगर के आदर्श नगर पालिका बांसी श्याम नगर की है, जहां पर सोने चांदी का काम करने वाले 24 वर्षीय युवक 24 घंटे से लापता बताया जा रहा है। आखिरी बार लापता युवक घायल अवस्था में अपने घर के पास सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था, जिसके बाद से वो युवक लापता है, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाना बांसी में दर्ज कराई। लेकिन लापता युवक का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। हमीरपुर में ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का ऐलान किया है। वहीं समाधान दिवस में कई ग्रामीणों ने वहां पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। उन्होंने रोड नहीं तो वोट नहीं करना नारा देकर ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ सड़क बनवाए जाने की भी मांग की गई। नहीं, उसमें हमने देखवा लिया है, वो आरईएस की सड़क है और वो जिला पंचायत को हैंडओवर हो चुकी है, तो मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गड्ढा मुक्त हमारी सरकार का जो है उद्देश्य है कि हर सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी और हम पूरा प्रयास करेंगे कि 15 दिन के अंदर जो है जिला पंचायत से समन्वय बना करके उस सड़क को ठीक करेंगे। उनको हमने आश्वस्त कर दिया है। कार्रवाई सर, हमारे यहाँ की इतनी बुरी समस्या है कि शायद इस क्षेत्र में कहीं भी हो गई, क्योंकि सबसे गरीब तो गाँव है
उस इस राड विधानसभा क्षेत्र में आज ये रोड 20 साल पहले बना था, इतना रोड उखड़ के तब्दील हो गया साहब के जो बच्चियाँ बच्चियाँ पढ़ने के लिए राड आती हैं वो प्रतिदिन गिरती नहीं उसमें। औरैया के सौर से अस्पताल में WHO की टीम ने अस्पताल के साथ मिलकर ओमिक्रॉन से लड़ने और अस्पताल में उपलब्ध संबंधित L2 लेवल के उपकरणों का ऑक्सीजन उपकरण का परीक्षण किया। इसके साथ ही एक बच्चे को डमी का मरीज बनाकर मॉक ड्रिल का रिहर्सल भी किया गया। इस दौरान WHO की टीम अस्पताल के उपकरणों और संसाधनों से संतुष्ट दिखी। कोविड जो वेरियंट आया है और उसके लिए यहाँ पे पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है, ये L2 की यूनिट है जहाँ पे हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स हैं और लाइफ सपोर्ट यूनिट है ये, जिसमें कि क्रिटिकल मरीजों को भी जो है। वहीं औरैया में बुजुर्ग शिव शंकर ने पेंशन मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अधिकारियों पर सुविधा शुल्क का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं अभी जिंदा हूं लेकिन मुझे मृत घोषित किया गया है। वहीं ब्लॉक के अधिकारियों ने कहा कि तुम्हारी पेंशन नहीं बन सकती। इसी को लेकर औरैया में ये बड़ा आरोप इस वक्त अधिकारियों पर लगा है। मामला है साहब हमाओ, हमें मरो दिखाई रहे आप लोग सब अधिकारी लोग जिनके सबके नाम आए ये साहब और कोई सुनाई नहीं हमारी। आज लोग पूरे आदमी ब्लड प्रेशर के मरीज एक दफे करी शिकायत आए। ताजनगरी आगरा में खंडपीठ की मांग को लेकर दीवानी परिसर में वकीलों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने चेतावनी दी कि अगर आगरा को खंडपीठ नहीं मिला तो सभी अधिवक्ता मानव श्रृंखला बनाकर जनता से रेल रोको आंदोलन का आह्वान करेंगे। इसी के साथ 2022 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की भी जनता से अपील की गई। प्रदर्शन करेंगे, मानव श्रृंखला बनाएंगे, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आह्वान करेंगे, जनता को, राजनीतिक दलों को कि वो महानगरों को बंद करें, यातायात एक दिन के लिए बंद करें, रेल रोको आंदोलन भी होगा और इसके चलते हुए हम मानव श्रृंखला बनाकर। सिद्धार्थनगर के 43वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी चेरीगावा और वन विभाग इटवा रेंज की संयुक्त टीम के जवानों ने भारत से नेपाल जाते समय एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली जहां हिरण के सींग के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ताजनगरी आगरा में अब सर्दी का प्रकोप शुरू हो गया है। बर्फीली हवा चलने से ताजनगरी वासी गलन भरी सर्दी से कांपने लगे हैं। वहीं मौसम विभाग ने तापमान में भारी गिरावट का आसार जताया है। अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम होकर 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लोगों ने ताजनगरी में शीतलहर का आभास किया। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।